मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कोरोना को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना की स्थिति ठीक हो रही है, इसलिए सीएम शिवराज ने बैठक कर बाजार रात 10 बजे तक खोलने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आज से सिनेमाघरों को 50% के साथ खोला गया है और रेस्टोरेंट 100% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। सारंग ने जनसंख्या को लेकर कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के दायरे में आना चाहिए, जनसंख्या बढ़ेगी तो आने वाली पीढ़ियों को मुश्किलें होंगी। साथ ही साथ उन्होंने तीसरी लहर को लेकर कहा कि सरकार भी तीसरी लहर को लेकर तैयारी कर रही है। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस पर भी तंज कसा। हुई है और जो भी दोषी हैं उन पर हुई, कहते हैं कि निश्चित रूप से हम तो पहले ही कहते हैं कि आशंका है कि तीसरी लहर आ सकती है और इसीलिए हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि हम वैक्सीनेशन को बहुत तेज गति से करें, क्योंकि यदि हम तीसरी लहर को रोकना चाहते हैं, उसको टालना चाहते हैं, तो हमारे पास दो ही हथियार हैं। एक तो हमें सुव्यवस्थित करना पड़ेगा और सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हम वैक्सीन से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, और दूसरा हमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करना पड़ेगा। पर यदि तीसरी लहर आती है तो हमारी सरकार की पूरी तैयारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने तीसरी लहर के को से निपटने के लिए पूरे प्रयास किए हैं।